अहम खबर है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इंतहाई अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है, सज्जाद बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के अरकान की जानिब से जो है इंतखाबी निशानात के खिलाफ जो है दरख्वास्तें दायर की गई थी। NA 35 कोहाट से शरियार अफरीदी, NA 32 से आसिफ, जबकि इसके साथ साथ PK 90 से आफ्ताब आलम और उनके साथ जो थे PK 92 से शफीउल्ला ने अपने इंतखाबी निशानात के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया था कि वो उसको तब्दील किया जाए, क्योंकि इनको बोतल, हथगाड़ी, बैंगन और गोभी के इंतखाबी निशानात दिए गए थे, जिस पर अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। और वो फैसला जो उन्होंने सुनाते हुए तमाम जो जितनी भी दरखास्तें आई थी वो तमाम की तमाम खारिज कर दी है और अब ये इन्हीं निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इंतहाई अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है, सज्जाद बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में PTI के अरकान की जानिब से जो है इंतखाबी निशानात के खिलाफ जो है दरखास्तें दायर की गई थी। NA 35 कोहाट से शरियार अफरीदी, NA 32 से आसिफ, जबकि इसके साथ साथ PK 90 से आफ्ताब आलम और उनके साथ जो थे PK 92 से शफीउल्ला ने अपने इंतखाबी निशानात के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया था कि वो उसको तब्दील किया जाए, क्योंकि इनको बोतल, हथगाड़ी, बैंगन और गोभी के इंतखाबी निशानात दिए गए थे, जिस पर अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। और वो फैसला जो उन्होंने सुनाते हुए तमाम जो जितनी भी दरखास्तें आई थी वो तमाम की तमाम खारिज कर दी है और अब ये इन्हीं निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया।